बताते हैं कि छापेमारी का सियासी कनेक्शन क्या है। अब इस कनेक्शन को समझिए। 23 दिसंबर 2021 को इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। अखिलेश यादव ने कहा था पुष्पराज जैन के यहां छापा मारने वाले थे। शुक्रवार को ही अखिलेश यादव ने कन्नौज जाने का ऐलान किया था। सुबह 7 बजे से पुष्पराज जैन के ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई। पुष्पराज जैन के घर, ऑफिस समेत कई ठिकानों पर आईटी का एक्शन हुआ। सपा के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ, भाजपा की बौखलाहट दिख रही है। पिछले कुछ दिनों से पीयूष जैन का नाम चर्चा में है, अब पुष्पराज जैन भी चर्चा में आ गए। दोनों में क्या समानताएं हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूं, बता देता हूं। देखिए, दोनों के नाम की अगर बात करें तो जैन जुड़ा हुआ है। दोनों कन्नौज के रहने वाले हैं, दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, दोनों इत्र के कारोबारी हैं। ये एक कनेक्शन है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी यूपी की सियासत छापामार युद्ध के इर्द गिर्द घूमेगी, क्योंकि